विज्ञान के दम पर ही हमने चांद पर जाकर दिखा दिया, विज्ञान के दम पर ही हमने चांद पर जाकर दिखा दिया, पाताल की मापी गहराई, भूत भविष्य भी बता दिया, भूत भविष्य भी बता दिया। यहाँ प्रस्तुत सभी का नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से हिंदी पखवाड़ा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं योगा वैष्णवी, कक्षा 10वीं की छात्रा, आप सभी के समक्ष विज्ञान को लेकर एक छोटी सी भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। विज्ञान का अर्थ है किसी भी विषय में विशेष ज्ञान। जिस देश के पास विज्ञान और आधुनिक तकनीक नहीं है, वह देश अन्य देशों से पिछड़ा हुआ माना जाता है। विज्ञान से हमें कई क्षेत्रों में लाभ है, चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, बिजली और एवं यातायात क्षेत्र। चंद्रयान 1 को चंद्रमा में 22 अक्टूबर 2008 को लैंड किया गया और यह सफलतापूर्वक लैंड हो गई। हमारा भारत का दूसरा मिशन चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को 19 को लॉन्च किया गया, पर यह सफलतापूर्वक नहीं रहा। भारत को चंद्रयान 2 नाकामयाब रही। 15 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 भेजा गया और यह 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर दक्षिण पोल के चांद में सफलतापूर्वक लैंड हुआ। चंद्रयान 3 को लैंडर का नाम विक्रम है और यह 752 kg भारी है। नीलामल ओडिवा। बचपन में हमारी माता ने खाते समय चांद दिखाकर खाना खिलाया, लेकिन आज दिन ऐसा हो गया है कि मानव चांद पर जाकर खुद खाना खा सकता है। अपने सोच की दायरा बढ़ाइए, विज्ञान के मदद से देश को आगे ले जाइए। आज हमारे वैज्ञानिक इसरो ने 11:50 पर आदित्य L1 सूर्य मंडल में लॉन्च किया और यह हमें सूर्य से संबंधित जानकारी देगी। अभी मैं अपना शब्द यहीं पर अंत करती हूँ। धन्यवाद।